कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद अब मैं बाहर निकली, तो इधर ही हीरानंदा ने छोड़ दीजिए। सिद्धा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सिद्धा। मैं भी क्लास करके घर आई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि लास्ट टू वीक्स मैं बिल्कुल क्लास नहीं ले पाई। एक तो दुर्गा पूजा था, उसके बाद से मेरा तबीयत ऐसा हो गया कि मैं छुट्टी देना पड़ा। बिकॉज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था, लेकिन मैं एकदम ही अच्छा फील नहीं कर रही थी, बहुत डाउन लग रहा था। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास में जाके, क्योंकि बगैर डांस के मैं सोच ही नहीं पाती। मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि अरे पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो कुछ सोच या कुछ तो थोड़ा सिखाओ, तो भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आज मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ना क्लास लेते लेते मुझे टायर्ड लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैं बैठ भी गई थी थोड़ी देर। मतलब मैं खड़े होकर नॉर्मली पूरा क्लास लेती हूँ, डेढ़ घंटा दो घंटा जो भी क्लास होता है, लेकिन आज तो आधे घंटे बाद ऐसा लग रहा था नहीं थोड़ा सा बैठ के ले लो। पर मैं बहुत एंजॉय किया, जैसे अभी भी थोड़ा थकान लग रहा है, तो अभी मैं सोचू थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, जबकि 2 बजे दोपहर को, लेकिन ज़रूरी है, थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा है, चलो थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ एंड फिर से नेक्स्ट। ये वीक मैं पूरा ही क्लास लूँगी, पर नेक्स्ट 2 वीक्स दिवाली वैकेशन है फिर से। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप वैकेशन देना नहीं भी चाहते हो, क्योंकि बच्चे रहते नहीं है, बॉम्बे का कल्चर ही ऐसा है ना, जैसे ही कुछ छुट्टी है स्कूल का, कॉलेज का या ऑफिस में छुट्टी है, मतलब लॉन्ग वीकेंड हो या कोई छुट्टी हो, लोग रहते नहीं है बॉम्बे में, तो फिर छुट्टी देना ही पड़ता है। तो इसलिए 2 वीक्स अभी दिवाली का छुट्टी है, पर ठीक है, इस बार मैं कलकत्ता कलकत्ता नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा दुखी तो हूं, पर चलो जैसे भी है उसे में खुश रहना है। चलिए चाय पी लेती हूँ। देखिए जीनू को ना रोटी खिला दिया, पर उसका दही इधर रखा है, अभी दिया नहीं, तो कैसे बैठी है देखो। अभी मैं पूछती हूँ, जीनू क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, ओ इधर क्या है, क्या चाहिए, क्या हुआ? देखिए दही की तरफ कैसे देख रही है, बोले बाबोली, बोले बाबोली, अच्छा है ना, ये लो। माय बेबी, माय छोनू, माय छोनू छोनू, माय बेबी। यस जिंकू, नो मम्मा। देखिए आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं अपना पुराना स्टाइल का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ,
ओट्स खिचड़ी एंड ब्लैक टी। एक्चुअली दुर्गा पूजा के समय से, क्योंकि फास्टिंग कर रही थी तो ब्रेकफास्ट नहीं ले रही थी, उसके बाद तबीयत इतना ख़राब होने लगा तो मैं रोज़ फ्रूट्स ले रही थी। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से पुराना रूटीन, ओट्स खिचड़ी एंड ब्लैक टी। और झिनुक देखिए, सब कुछ देख के देखा, ये तो मेरा है नहीं भाई, मैं तो ये नहीं खाती हूँ, तो जाके अपने जगह पे बैठ गए। मामा झिनुको हाय, कैसे हो तुम, अच्छे हो? सबको बोल दो हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। देखिए कल ना मैं क्लास से आई, फिर मैं आप लोगों को बताई कि मैं थोड़ा सा थकान लग रहा है, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद पूरा बाकी जो दिन, हाफ डे, मोर देन हाफ डे एक्चुअली, मैं कुछ नहीं किया। लंच किया, रेस्ट करने लगी, रेस्ट ऐसे रेस्ट किया कि जो आज एक्चुअली मंडे, आज मेरा डांस वीडियो जाता है कलांगन मुंबई चैनल में, उसके लिए रिकॉर्डिंग करना होता है, जो नॉर्मली मैं पहले करती हूँ या संडे तो करना ही पड़ता है क्योंकि मंडे जाएगा, वो भी नहीं किया मैंने। पता नहीं क्या मुझे लेजनेस आया, क्या आलस शुरू हुआ, तो मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आज देखिए मंडे में सुबह सुबह साड़ी वाड़ी पहन के ऊपर आ गई क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना था, तो वो काम मैंने कर लिया। अभी मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम को मेरा क्लास भी है, पर आज मैं ये ब्लॉग यहाँ ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि कल ना थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। एक्चुअली कल कलांगन का एक मीटिंग है दिल्ली में, जो लास्ट टाइम मैं भी गई थी, फिर कोविड में 2 साल तो हुआ नहीं था फिजिकल मीटिंग, तो कल है जो त्रिना जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, हमें बात भी करना है, थोड़ा सा टेंशन तो है कि क्या होगा। तो चलिए अभी मैं लंच वंच करके, शाम का क्लास है, उसके बाद त्रिना के साथ थोड़ा बातचीत करना है, थोड़ा सा प्लानिंग है, जो भी है। पर आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ना पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो एज में नॉर्मली लोग रिटायर्ड होते हैं, तो उस एज में मैंने ये नया काम शुरू किया। जो यंगस्टर्स है ना, उनको शायद लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और मेरा लाइफ ऐसे भी बहुत कलरफुल ऐसे नहीं है, पर मैं अपने में खुश रहती हूँ, और ये जो मैं कर रही हूँ ना, मैं इंजॉय कर रही हूँ। अब मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इससे, तो मैं बहुत हैप्पीली जो भी कर रही हूँ, मतलब आई एम एंजॉयिंग, ये मेन बात है मेरे लिए। तो एनीवे चलिए बहुत जल्द फिर मिलूंगी, आप सब लोग बहुत खुश रहिए, बाय।